देखिए, सबसे पहले पफ बनाने के लिए हम बैच मिक्सर में अपना बैच रेडी करते हैं। इसमें हम चावल और मक्का डालते हैं। 50 किलो का अगर हम बैच रेडी करते हैं तो उसमें 30 किलो हम मक्का डालते हैं और 20 किलो चावल डालते हैं। मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें मॉइस्चर डालते हैं, थोड़ा पानी डाल के उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए उसको मिक्स किया जाता है। चावल डाल रहे हैं अभी, मक्का डाला हुआ है, इसमें भी चावल डालते हैं। इसमें पानी डाल रहे हैं, जितना हमको मॉइस्चर चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डाला जा रहा है। जैसे 50 किलो का है तो इसमें 2.5 लीटर पानी डाल रहे हैं। 50 केजी के बैच में हम 2.5 लीटर पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्स किया जाएगा प्रॉपर। बैच मिक्सर में से हम रॉ मटेरियल अपना बाहर निकाल रहे हैं। अब ये सीधा एक्सट्रूडर मशीन में जा रहा है। एक्सट्रूडर मशीन में हमने पफ की डाई लगाई हुई है फिलहाल। अभी हम आपको पफ की प्रोडक्शन चालू करके दिखाते हैं कि चावल और मक्का से पफ की प्रोडक्शन कैसे चालू होती है, कैसा पफ निकलता है। रॉ मेटर ऑपर में डाला है, स्क्रू के थ्रू वो हेड में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पफ निकल रहा है, ठीक है। ये पफ इस कटर से कट रहे के कन्वेयर के थ्रू ये रोस्टर में जा रहा है जी। रोस्टर में यहाँ पे ये रोस्ट हो रहा है जी। यहाँ पे रोस्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक अपना मसाला मिक्सर में आएगा। अच्छा। कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है जी। ये रोस्टर हो गया, ठीक है। रोस्टर में यहाँ से माल निकल के ऑटोमेटिक फ्लैरी ड्रम में जा रहा है। फ्लैरी ड्रम में यहाँ पे ऑयल स्प्रे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑयल स्प्रे हो रहा है, यहाँ पे ऑयल इसमें मिक्स हो रहा है। ओके। ऑयल मिक्स होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मसाला इसमें लगा हुआ है, मसाला फीड हो रहा है, ये मसाला इसमें जा रहा है और ये मिक्स होके हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर निकल रहा है। अब इस प्रोडक्ट को उठा के सीधा पैकेजिंग मशीन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और ये पैक होके लडी बन के बाहर निकल जाएगा। अच्छा जी। पूरा ऑटोमेटिक प्लांट बोलते हैं इसको, ऑनलाइन प्लांट बोलते हैं इसको जी। वहाँ पे आपने रॉ मटेरियल उसमें डाला, उसके बाद वो पफ बन के कन्वेयर के थ्रू रोस्टर में, रोस्टर से ऑटोमेटिक रोस्ट होके मसाला मिक्सर में, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑयल स्प्रे और मसाला मिक्स होके बाहर निकल जाता है। तो मसाला जैसा आप चाहो वैसा इसे मिक्स करवा सकते हैं। हाँ, जैसा टेस्ट आपको चाहिए, मैंने दिखाया था आपको, उस तरह के टेस्ट डाल के आप, ठीक है, टेस्ट ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से पूरा बन करके तैयार हो जाएगा, इसको फिर आप पैकेजिंग वाली मशीन में डाल सकते हैं इसको। ये मशीन 80 से 100 किलो 1 घंटे में प्रोडक्शन देती है। अच्छा जी। 1 घंटे में 80 से 100 किलो प्रोडक्शन देगी, उतना ही ये रोस्ट करेगा और उतना ही ये मसाला में मिला देगा। अच्छा, उतना ही मसाला मिलेगा इसमें। पूरी एक लाइन है जी। और जो हमारी पैकेजिंग मशीन होती है उसकी प्रोडक्शन 2000 की होती है। और सर अगर मैं बात करूँ तो रॉ मटेरियल और लेबर वगैरह कितने लगेंगे इसके अंदर? देखिए, रॉ मटेरियल तो आपको अपने बजट के हिसाब से भरना है, कितने का भर सकते हैं, ठीक है। और लेबर इसमें 4 से 5, मतलब अगर मैं 100 किलो का रॉ मटेरियल इसमें डालूं तो 100 किलो उसमें बन के निकल जाएगा? नहीं सर, थोड़ा फालतू निकलेगा, क्योंकि थोड़ा फालतू पानी भी डालते हैं और एयर भी भरती है। अच्छा जी। उसके बाद पैकेजिंग मशीन में प्रोडक्ट जाएगा जी। ये जो आप देख रहे हैं इसको एयर ड्रायर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर के एयर को इसमें कनेक्ट कर देते हैं और इसके पाइप को मशीन में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो कंप्रेसर का मॉइस्चर होता है, जो स्मेल होती है, उसको ड्राई करके मशीन को देता है। उस एयर को हम पाउच में डालते हैं, ठीक है जी, ताकि हमारा पाउच की वैलिडिटी बनी रहे, पाउच हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो। तो यहाँ पर ये पाउच पैकिंग का पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। इसमें हम हॉपर में माल डाल देते हैं, जितना ग्राम हमको पैक करना है उस हिसाब से इसमें कप लगे होते हैं। एमआरपी डेट के लिए इसमें कोडिंग लगी हुई होती है, ठीक है। प्रोग्राम इसमें डाल देते हैं, जितने की लड़ी हमको चाहिए उतनी लड़ी ऑटोमेटिक मशीन काट के निकालती रहती है। अच्छा जी। और इसकी क्या प्रोडक्शन होगी, इसकी बात करें तो सर, तो ये मैक्सिमम 1800 से 2000 पैकेट निकालेगी घंटे का। अच्छा, 1 घंटे का। ओके। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आप लोग पूरा पफ मेकिंग और पफ पैकेजिंग का पूरा काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपने पूरी मशीनरी पूरा सेटअप दिखाया, तो इसकी पूरी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है? ये 5 लाख से स्टार्ट होता है हमारा। अच्छा जी, 5 लाख से स्टार्ट होता है और ये जैसे आपको मशीन चाहिए उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। देखिए, ये फ्लेवर होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको टेंगी टमाटर हो गया, नहीं खट्टा मीठा हो गया, ठीक है। ये मसाले हम प्रोवाइड करा देते हैं, मैगी मसाला हो गया चटपटा वाला, ये भी हम करवा देते हैं, पंजाबी तड़का हो गया और चटपटा हो गया, ठीक है, कटोरी में डालने के लिए, ये सारे प्रोवाइड हम करवा देते हैं। मतलब जितने मसाले वगैरह हैं वो सारे आपके पास से मिलने वाले हैं? ये वो मसाले हो गए, इस तरह के रोल हो गए जो आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये सब हम प्रोवाइड करवा देते हैं अपने क्लाइंट को। मतलब अगर किसी को अपना ब्रांड वगैरह भी छपवाना है तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी आपके पास? वो भी हम प्रिंट करवा के दे देते हैं, ठीक है सर। ये ग्रिट हो गया रॉ मटेरियल, अच्छा, हम प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। इसमें टॉयज डालते हैं, जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं जो पाउच में डाले जाते हैं, ये सब टॉयज, ये सब हम प्रोवाइड करा देते हैं। ओके। मतलब जैसा भी आप लोगों को चाहिए रॉ मटेरियल वगैरह जी, वो सारा सर से मिलने वाला है आपको।